तुकाराम सर, आज हम सिर्फ सवाल से ही चलेंगे आगे, क्योंकि पिछली लाइफ में हमने काफी चीजों को कवर कर लिया था, तो आज हम लोगों के सवालों को ही लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास एक पहला सवाल आया है, और उसमें ये हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं शोभित सिंह जी, पूछ रहे हैं कि सुना है कि राज्याभिषेक में गागा भट्ट नाम का ब्राह्मण अपने पैर से राजतिलक लगाया था। लोग ये ऐसा इनका जो हमने पिछले लाइफ में हमने जो कवर किया था, जिसे वही सवाल है। वैसे मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहें तो हमारा पिछला लाइव भी देख सकते हैं, उसको हमने कवर किया है। फिर भी आपकी इच्छा के अनुरूप इस पर हम संक्षिप्त आपको थोड़ी बहुत जानकारी दिलाने का प्रयास करते हैं। तो तुकाराम सर, इस पर बड़ा संक्षिप्त में आप बोलते हुए आगे बढ़िए, फिर अगला सवाल ले लेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का आंग्ल राज्याभिषेक दिन है, 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक हुआ था। यद्यपि हम तिथि के अनुसार करते हैं, इसलिए ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी को हम मनाते हैं, वो 23 जून को है। छत्रपति बिल्कुल शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ तो उस समय गागाभट्ट नाम के ब्राह्मण ने उनको पैर से तिलक वगैरह लगाया। ये इतने झूठे आरोप है, दुर्भाग्य से लोग इस पर विश्वास कैसे करते, इसका ही मुझे आश्चर्य होता है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को शत्रु भी नहीं छू सकता था, उन छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई ब्राह्मण पैर से तिलक लगाएगा और छत्रपति शिवाजी महाराज उसको सहन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये वामपंथी विचारधारा इतिहास को विकृत करने पर टली है। वास्तविक रूप से ये वही गागा भट्ट है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वयं राज्याभिषेक करो ऐसा कहा था। राज्याभिषेक के पूर्व 10 वर्ष पूर्व उनका उनके साथ एक एक जजमेंट भी हुआ था। उस जजमेंट पर मतलब एक इशू आया था, उस पर उन्होंने निर्णय दिया था, धर्मशास्त्रीय निर्णय दिया था। और गागा भट्ट जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की आज्ञा से ही गागा भट्ट जी ने पूर्व मीमांसा पर भट्ट मीमांसा नाम से, मीमांसा कौस्तुभ नाम से ग्रंथ लिखे थे, इसके प्रमाण उपलब्ध है। और गागा भट्ट जी ने आके जाके संन्यास भी लिया और जो धन लिया था मतलब जिसे हम बोलते हैं कि दक्षिणा के रूप में, वह सब दक्षिणा दक्षिणा दान कर वे संन्यास लेकर हमारे पंढरपुर ग्राम में आए थे और यहाँ पर उन्होंने चातुर्मास व्यतीत किया था, क्योंकि संन्यासियों के लिए चातुर्मास में बाहर जाना वर्ज है। सभी के लिए हमारे हिंदू धर्म में चातुर्मास में जब वर्षा होती है तो उस कारण भी एक ही स्थान पर रहने का आदेश थे। तो ये सब झूठी झूठी कथा ये इन वामपंथियों ने गढ़ी है। इसका ना तो कोई समकालीन प्रमाण है, ना तो कहीं परवर्ती प्रमाण है। केवल गत 30 या 40 वर्षों में वामपंथियों के द्वारा ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार हो रहा है, जिसको आप कृपया करके दुर्लक्षित करें अथवा उसका विरोध करें। बाकी हमारे पास एक और सवाल आ रहा है, जिसमें हमारे एक भाई पूछ रहे हैं कि क्या संभाजी महाराज को उनके साले ने धोखा दिया था, ऐसा कुछ हाँ है क्वेश्चन? जी, क्या है कि समकालीन दस्तावेजों के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, उनका जो एक साला था शिर्के नाम उनका था, गणोजी शिर्के, तो उनके साथ हुआ यह था कि ये शिर्के के जो पूर्वज थे मतलब, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जिसे हम बोलते हैं वतनदारी सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसकी प्रथा थी। मतलब कोई राजा किसी अथवा ये जो मुगल थे तो यहाँ के राजाओं को अपने अंकित रखने के हेतु उनको कुछ वतन वगैरह ऐसे देते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले आके वो सिस्टम, वो व्यवस्था बंद कर दी। उन्होंने निश्चित किया कि ये सब नहीं चलेगा हमारे स्वराज्य में। यहाँ पर सब लोकशाही मतलब अर्थात सब एक ही रहेंगे और सब स्वराज्य के निर्माण हेतु प्रयत्न करेंगे। तो ये वतनदारी वगैरह ये सब ऐसा कुछ, जैसे आप आज हम कहते ना कि किसी को जैसे हम कहते कि जैसे हम ब्राइब वगैरह कहते कि इस स्वरूप का ये सब था, ताकि ये किसी प्रदेश को आप ही संभाल लो और उसको उसका जो कोई आय मतलब इनकम आएगा तो आप ही उसे देख। तो ये सब इससे अनियंत्रित शासन वगैरह सब होता था और इससे जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन मतलब ये भी होता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सब बंद कर दिया। तो ये जो शिर्के थे, इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके उनके साथ उनका कुछ नाता था पहले से ही, तो उन्होंने उनको कुछ मंगा था लेकिन लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो वो उनका संभाजी महाराज का भी उनके साथ कुछ ये हुआ था, जैसे मतलब निम्बाड़कर थे जो संभाजी महाराज के माता के जो मामा मतलब भाई मतलब मामा वगैरह था, उनके भी साथ यही प्रकरण हुआ था। तो इसी कारण शिर्के जी के साथ भी कुछ वाद विवाद हुआ था और ये शिर्के जो थे वो
उन्होंने संभाजी महाराज को, जब संभाजी महाराज जिस समय पकड़े गए, जो संगमनेर नाम से एक जनपद हमारे महाराष्ट्र में है जहां पर एक किला है, बहुत छोटा है वो, तो वहां पर संभाजी महाराज का अंतिम निवास था जहां पर वे पकड़े गए। तो वो जो रास्ता है वहां तक जाने का, तो औरंगजेब उस समय महाराष्ट्र पर मतलब आया ही था स्वराज्य पर, क्योंकि वो 1600 1681 में स्वराज्य पर आक्रमण करके आया था। 1681 से 1707 तक औरंगजेब महाराष्ट्र में था, ये पूरा 27 28 वर्ष। तो उस समय संभाजी महाराज जहां पर थे, तो उनका जो रास्ता था, जो मतलब वो वहां पर जहां पर उनके निवास के हेतु उनकी जो जानकारी थी, तो ये शिर्के ने दी थी, ऐसा इतिहास से ऐतिहासिक प्रमाणों से उपलब्ध होता है। तो एक सवाल और आया है, फिर आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, संभाजी महाराज की नेवी के विषय में यदि हम कहें, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वाक्य है, जिसका आरमार उसका समुद्र, मतलब जिसके हाथ में नेवी है उसका ही समुद्र पर शासन रहता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके अनुसार समुद्र पर शासन करने हेतु नेवी का निर्माण वगैरह इन सब कार्यों का प्रचलन कर दिया था। और उन जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान हुआ, तो उन्होंने जब संभाजी महाराज को विरासत में यह सब स्वराज्य मिला, वे जब छत्रपति मिले बने, तो उस समय उन्होंने जो नेवी, मतलब ये जो जिसे हम बोलते हैं नौदल, नौदल का विकास के हेतु जो कुछ भी प्रयास किया, उसमें ये जब ये वामपंथी लोग कुछ यहाँ पर आक्षेप लेते कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नौदल का अधिकारी कुछ मुसलमान था, वास्तविक रूप से इस बात का खंडन यहाँ पर ही हो जाता है कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जब नेतृत्व स्वीकार किया, छत्रपति जब वे बने शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के देहावसान के पश्चात, तो उन्होंने छत्रपति पद का पद मतलब सम्राट पद धारण करने के पश्चात दरिया सारंग नाम से एक हिंदू था, तो उसको उन्होंने वहां पर नियुक्त कर दिया उसके प्रमुख उस दरिया, क्योंकि ये जो दरिया नाम से मतलब ये जो विशेष रूप से जो हमारा जो कोस्टल एरिया जहाँ पर जिसे हम बोलते हैं मतलब समुद्र किनारा का जो भाग हो रहा होता है, वहां पर जो लोग निवासी होते हैं, तो उनको उस समुद्र के विषय में ज्यादा जानकारी होती है, वे उस विषय में उनका वो रोज का अनुभव होने के कारण उनको उस विषय में ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए वे इस विषय में विशेष रूप से प्रशिक्षित भी होते हैं। तो धर्मवीर संभाजी महाराज ने उस दरिया सारंग को वहां पर उसकी नियुक्त कर दी, क्योंकि और इतिहास ऐसा कहा जाता है कि जब संभाजी महाराज राज्याभिषेक उनका हुआ, तो उस समय इतिहास कहता है कि 200 की संख्या में बड़े बड़े जहाज स्वराज्य में थे, 80 की संख्या में कुछ विशेष प्रकार के जहाज थे जो केवल और केवल युद्ध के हेतु जिनका उपयोग होता था, और भी बहुत सी जानकारी है जिसके संदर्भ में यदि आपको अभ्यास करना हो, तो संभाजी महाराज के छत्रपति जो शिवाजी महाराज के आरमार नाम से एक मराठी में पुस्तिका है, उसमें भी संभाजी महाराज के आरमार के विषय में जानकारी आपको मिलेगी। उसके लेखक है G.B. म्हेंदळे, गजानन भास्कर म्हेंदळे नाम से उसके लेखक है, जिनका उल्लेख मैंने पिछली लाइव में किया था, जिन्होंने जिन्हें पूरा जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के हेतु पूर्ण आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर उन्होंने पूर्ण जीवन केवल और केवल शिवचरित्र के हेतु दिया है, 2500 पृष्ठों का अब्दुल खान वध तक केवल 1607 तक का चरित्र है, उसके आगे 1670 और 1680 ऐसे दो 10 10 वर्षों के और से दो खंड आने वाले हैं, उनके पृष्ठ संख्या भी 2500 होगी, पूरे 5 सहस्त्र पृष्ठों का चरित्र होगा। और अंग्रेजी में उन्होंने पूर्ण शिव चरित्र लिखा है जो 1200 1300 पृष्ठों का है, तो आप उसमें जानकारी उस विषय पर प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल और आ रहा है, और एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि 1818 का जो भीमा कोरेगांव की जो लड़ाई थी वो संभाजी महाराज की हत्या का बदला था। तो भैया लिख किससे रहे थे, बदला ये प्रश्न जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने लिखा है, और ये 1818 की क्या भीमा कोरेगांव की लड़ाई संभाजी महाराज की हत्या का बदला था, ये तो झूठ प्रचार है। संभाजी महाराज की हत्या तो औरंगजेब ने की थी, और 1818 की भीमा कोरेगांव की लड़ाई तो ब्रिटिश और पेशवा में हुई थी,
फिर बदला बदला तो उसी समय लिया था जब औरंगजेब को यहाँ पर ही मराठों ने गाड़ा था। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या का बदला मराठों ने तभी लिया जब जो औरंगजेब 3.5 या 4 लाख 5-6 लाख की सैन्य लेकर स्वराज्य पर आक्रमण करके आया था, तो 1681 के से 1707 तक 27-28 वर्ष औरंगजेब इसी महाराष्ट्र में था, लेकिन मराठों ने कभी उसके हेतु को सफल नहीं होने दिया। वो उसका हेतु था स्वराज्य पर आक्रमण कर पूरे दक्षिण भारत को इस्लाममय बनना, क्योंकि उसने गोवळकोंडा की जो कुतुबशाही थी और विजय विजापुर की आदिलशाही थी उसको भी ध्वस्त उसने किया था संभाजी महाराज के समय। तो उसका स्वप्न था कि हम हिंदवी स्वराज्य को भी, तो संभाजी महाराज का तो उसने पूर्ण रूप से निर्दयता से पुराण के अनुसार शरीयत के अनुसार संभाजी महाराज का उन्होंने उन्होंने हत्या करते औरंगजेब ने हत्या की थी। तो उसका प्रतिशोध मराठों ने उसी समय लिया क्योंकि इस औरंगजेब को इसी महाराष्ट्र की भूमि में मराठों ने यहाँ पर ही उसका मतलब देहांत उसका हो गया। वो यशस्वी नहीं हो सका, वो कभी अपने दिल्ली को कभी नहीं वापस जा सका। तो रहा प्रश्न भीमा कोरेगांव की युद्ध का, भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है उसके विषय में स्वयं ब्रिटिश अधिकारियों ने लिखा है कि यह केवल एक छोटा सा युद्ध था जो पेशवाओं ने विशेष रूप से जीता था, क्योंकि स्टॉन्टन नाम से एक अधिकारी है उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाजीराव दूसरा बाजीराव पेशवा ने हमें ऐसी लड़त दी और उसने हमें ऐसा जिसे हम बोलते हैं ना गरीला वॉरफेयर, जो मराठाओं का विशेष रूप से एक टेक्निक था वॉरफेयर का जिसे हम गनिमी कावा मराठी में बोलते हैं, तो उस गरीला वॉरफेयर का बाजीराव पेशवा ने इस्तेमाल किया उस युद्ध में, और बाजीराव ने ब्रिटिशों को पूर्ण रूप से पागल बनाया, क्योंकि स्टॉन्टन ने स्पष्ट रूप से लिखा है, स्टॉन्टन का रिकॉर्ड उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वास्तव में ये सब झूठा है, ना तो कोई अत्याचार हुआ था, मैंने पिछली लाइन में ही सब बता दिया है कि शूद्रों के विषय में पेशवाओं के समय में क्या स्थिति थी। मैंने इस पर विस्तार रूप से पिछली लाइन में बता दिया है कि शूद्रों को स्वतंत्र एक उनकी जिसे हम बोलते हैं रेजिमेंट पेशवाओं ने सबसे पहली बनाई थी, और अंबेडकर ने इसका स्वीकार भी किया था आगे जाके, अंबेडकर ने मान्य किया था कि पेशवाओं के काल में शूद्रों की स्थिति बहुत उत्तम थी। तो ये सब कोरेगांव भीमा का इतिहास केवल विकृतिकरण है, और केवल जातिवाद के नाम पर, विकृत इतिहास के नाम पर भारत देश को तोड़ने का षड्यंत्र इन वामपंथियों का है। क्योंकि हमने कुछ जब कोरेगांव का षड्यंत्र शुरू हुआ तो हमने लंदन से ब्रिटिश अधिकारियों ने उस विषय पर जो लिखा है, वो जो लिस्ट है पूरी, जो तथाकथित पूर्वापुरुष मतलब अस्पृश्य जाति के जो लोग बताए जाते हैं जो जो पेशवा के विरुद्ध लड़े वगैरह, और ये जो वामपंथी बोलते हैं कि 500 महारों ने महार बांधवों ने 28,000 पेशवों को वगैरह काप दिया वगैरह, ये सब झूठा है, इतनी संख्या तो उस समय नहीं थी। तो ऐसी लड़ाई की जो जो कल्पना करके बैठे हुए हैं, इन लोगों का भी एक मत है कि ऐसा है कि जो संभाजी महाराज थे उनको तो ब्राह्मणों ने मार डाला था, उनके मर जाने के बाद खुशियां मनाई थी, त्योहारों का सृजन कर दिया, उनके नाम पर एक नए नए पर्व निकाल दिए। भारत त्योहारों का देश है और त्योहारों की अपनी अलग राजनीति होती है। गुड़ी पड़वा को ही ले लीजिए, कहने के लिए तो ये हिंदुओं का नववर्ष है, लेकिन जैसे ही आप इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। गुड़ी का मतलब होता है किला और पड़वा का मतलब होता है गिराना, मतलब किसी के साम्राज्य को गिराना या उस पर कब्जा करना। सवाल ये उठता है कि किसका साम्राज्य गिराया गया। 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज के नाक कान काट कर उनकी चमड़ी उधेड़ कर ब्राह्मणों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उनके सर को भाले लटकाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। ऐसा करके ब्राह्मणों ने संदेश दिया कि जो भी स्वराज हेतु आंदोलन करेगा उसका यही हश्र होगा। तभी से पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मण ये त्योहार मनाते आ रहे हैं। पहले ये सिर्फ महाराष्ट्र में मनाया जाता था, पर आजकल महाराष्ट्र के बाहर भी इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुजन समाज खुद भी अपने राजा की हत्या के दिन को त्योहार के रूप में बहुत धूमधाम से मनाता है। इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। यूट्यूब पर आपको सर्च करना होगा गुड़ी पड़वा बहुजन साहित्य, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो थोड़ा सा इस पर, चूंकि इसको भी हमने पिछले लाइव में कवर किया है, लेकिन आज का लाइव जो है वो हम इसी चीज पर एक संक्षिप्त व्याख्या चाहते हैं आपसे कि थोड़ा इस चीज को क्लियर कर दें और दर्शकों को ये बताएं कि क्या अभी तो हमने आपने बताया ना कि संभाजी महाराज का जो साला था उन्होंने खुद उनके साथ चीटिंग की थी, खुद धोखा दिया था उनको, और उसी धोखे की वजह से वो पकड़े गए थे। तो उनको पकड़वाने का तो सारा जिम्मेदारी उनके साले को जाता है, तो फिर ये ब्राह्मण कहाँ से घुसेड़ लेते हैं ये लोग? क्या ये ब्राह्मणों के बिना इनकी कोई स्टोरी पूरी नहीं होती है, या ब्राह्मणों को बिना गाली दिए कुछ पछता वस्ता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता? क्या इनका प्रॉब्लम क्या है ब्राह्मणों से? क्या है संभाजी महाराज के देहावसान के विषय में यदि हम
मूल दस्तावेजों का अध्ययन करें। पिछली लाइव में इस विषय पर मैं बोल चुका हूँ, फिर भी अभी इस विषय पर विस्तार से कहना आवश्यक है। संभाजी महाराज का जो देहावसान है, उस विषय में जो समकालीन दस्तावेज है उनको यदि हम सूची देखें तो विशेष रूप से मुगल दरबार की बात भी पत्र, अर्थात जो मुगल दरबार था औरंगजेब का, तो उसका 50 या 60 वर्ष का पूर्ण विवरण उपलब्ध है। अर्थात दरबार जिसे बोलते हैं, हिंदी शब्द है पर से उर्दू शब्द है मूल रूप से, उस दरबार में आज जो कुछ भी निर्णय दिया गया है, कुछ भी होगा, किसी भी विषय से संबंधित होगा, उसका दस्तावेज, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। और ये वैशिष्ट्य है, मतलब ये सौभाग्य समझते हैं हम कि ब्रिटिश और मुसलमान इन सब ने उनके उनके इतिहास विशिष्ट रूप से शब्दबद्ध करके रखे हैं, और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके इस डॉक्यूमेंटेशन के कारण ही हम सत्य इतिहास को पहचान लेते हैं। तो उन्होंने स्वयं औरंगजेब का जो 50 वर्ष या औरंगजेब 80 या 90 वर्ष तक, 90 वर्ष तक औरंगजेब का जीवन आयु थी उसकी, बहुत बहुत साल तक उसका उसकी आयु थी, दीर्घायु था। तो जब वो शासन शासन में आया तो शासन काल का उसका पूरा इतिहास विवरण उन दस्तावेजों में उपलब्ध है। मुगल दरबार की बातमी पत्र इसके 3 खंड है। उसके पश्चात ऐतिहासिक फारसी साहित्य नाम से 6 खंड प्रकाशित है, वे भी पर्शियन मूल, मतलब फारसी मतलब पर्शियन डॉक्यूमेंट्स, तो ये पर्शियन डॉक्यूमेंट्स पूरे उपलब्ध है। इनका अंग्रेजी अनुवाद भी जदुनाथ सरकार जी ने और हमारे एक महाराष्ट्र के इतिहासकार थे GH खरे, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उन्होंने किया है। बहुत बड़े इतिहासकार थे, ICHR इंडियन कांग्रेस हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके वे प्रेसिडेंट भी थे। पूरे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके उन्होंने इतिहास का, मध्ययुगीन इतिहास का अध्ययन किया था। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये मुगल दरबार की बात नहीं थी। उसके पश्चात अहकाम आलमगिरी नाम से ग्रंथ है, उसके पश्चात मासिरे आलमगिरी, ये साकी मुस्तैद खान नाम का औरंगजेब का एक सरदार था, उसने लिखा है। उसका अंग्रेजी अनुवाद जदुनाथ सरकार जी ने किया है, आप ऑनलाइन आर्काइव्स पर पढ़ सकते हो। उसके पश्चात का ग्रंथ है जो खाफी खान नाम से औरंगजेब का पर्यवेक्षक था, मुंसिफ जिसे हम बोलते हैं, सुपरवाइजर जिसे बोलते हैं, उसने ग्रंथ एक लिखा है, उसका नाम है मुंत खबुलल अलबाबये मोहम्मद शाही, मुंत खबुलल अलबाबये ऐसा नाम है उसका, जिसके जिसे हम औरंगजेब का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब कहते हैं। तो जदुनाथ सरकार जी ने इस पर हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब नाम से बहुत से खंड लिखा है, और वे तो बंगाल के इतिहासकार थे, कोई हिंदू हिंदुस्तान महाराष्ट्रीय इतिहासकार नहीं थे। तो ये सब ओरिजिनल, उसके 4 खंड उर्दू में है। हमने www.dasbodh.com इस संकेत स्थल पर वे सब स्कैन करके वहां पर डाले हैं। कोई भी जिसको उर्दू आती है, पर्शियन आती है, पढ़ सकता है। मुझे भी सौभाग्य से उर्दू आती है, मोड़ी आती है, पर्शियन भी सीखनी है, कुछ सीख रहा था लेकिन कोरोना के कारण मेरा वो क्लास बंद पड़ गया, पुणे पुणे छोड़ दिया। तो ये कहने का तात्पर्य केवल यह है कि ये सब जो ईश्वरदास नागर नाम से एक इतिहासकार था, वो उस समय वहां पर संभाजी महाराज का देहावसान, संभाजी महाराज की जैसे उनको पकड़ लिया गया तो उनके देहावसान और उसके भी पश्चात का सब वृत्तांत उसने लिख के रखा है। तो ये सब परकलदास, कल्याणदास है, ये बहुत से नाम है, मतलब इन सबका यदि हम मैं नाम बोलूं, उनके ग्रंथों का यदि सूची दूं तो उसमें ही समय निकल जाएगा। लेकिन ये मुख्य रूप से ये जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो इसमें संभाजी महाराज के देहावसान के विषय में औरंगजेब तथा उसके अधिकारियों ने जो लिखा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये खाफी खान लिखता है, ईश्वरदास नागर लिखता है कि संभाजी महाराज के विषय में, ये खाफी खान संभाजी महाराज का जब जब उल्लेख करता है तब तब उनको उनको काफिर शब्द से प्रयोग करता है, उनका उल्लेख नरकवासी ऐसे शब्दों से करता है, ये खाफी खान करता है, मैं नहीं कर रहा कह रहा हूं। तो खाफी खान अथवा ये साकी मुस्तैद खान, ये जो साकी मुस्तैद खान है जिसने महासिरे आलमगीरी नाम से ग्रंथ लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद भी शायद हो चुका है, उसका PDF उपलब्ध है। लक्ष्मीदास बनारसीदास वगैरह किसने प्रकाशन वो किया है, ऑनलाइन उसका PDF उपलब्ध है। www.dasbodh.com पे भी आपको मिलेगा, आर्काइव्स भी है। औरंगजेब का इतिहास नाम से कुछ तो है, 3 खंड में उसका अनुवाद किसने किया है मुझे पता नहीं, उसका अनुवादक कौन है, खेमराज श्री कृष्णदास अथवा मोतीलाल बनारसीदास कुछ तो उसका प्रकाशक होगा। तो उसने लिखा है कि संभाजी महाराज को जब संभाजी महाराज जिस समय संगनेर में पकड़े गए, तो उनके गुप्त हीरो ने, जिसे हम बोलते हैं
जैसे आप रॉ के एजेंट होते हैं जैसे हम, तो उनके गुप्त हीरो ने उनको ये बात, मतलब बात नहीं, ये वृत्त दिया कि शत्रु आ रहा है, आप पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने उसको, उस पर दुर्लक्ष किया दुर्भाग्य से। और उनका जो मित्र था, उनका जो कवि उनके साथ था, उसका नाम था, वो जो छंदोगामात्य जिसको उन्होंने नाम से विभूषित किया था, तो वो कवि कलश भी उस समय उनके साथ था, और वो कुछ आ, आ, अनुष्ठान कर रहे थे, ऐसा उल्लेख है। ईश्वरदास नागर ने भी लिखा है, खाफी खान ने भी लिखा है, साके मुस्तैद खान भी लिखता है कि संभाजी महाराज जिस समय पकड़े गए उस समय वो कुछ अनुष्ठान कर रहे थे, क्योंकि वे शाक्त पंथ के उस समय उपासक थे। तो ये वे पकड़े गए, और जब उनको औरंग जब औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब उस समय हमारे पंढरपुर के समीप में एक मंगलवाड़ा नाम से एक प्रांत है, वहां के आसपास कहीं पर तो वो था। तो उसको इसका, इस वृत्त का जब ज्ञान हुआ तो उसने आनंद व्यक्त किया, और पूरे मुगल छावनी में इस विषय पर आनंद व्यक्त हुआ जब संभाजी महाराज को पकड़ा गया। और वो खाफी खान लिखता है कि उस समय जैसे हम उत्साह हिंदू प्रकट करते तो हम शर्करा अर्थात मीठा कुछ तो बांटते हैं, तो उसी समय मीठा बांटा गया। और संभाजी महाराज को जो पकड़ा गया तो ऊंट पर उनको बैठाया गया, क्योंकि औरंगजेब तो उनको मारने के हेतु ही आया था। तो औरंगजेब, संभाजी महाराज छत्रपति थे, हिंदुओं के सम्राट थे, हिंदुओं के छत्रपति थे, और औरंगजेब इस्लाम का प्रचार करने हेतु आया था, इसलिए उन्होंने उसने संभाजी महाराज को स्पष्ट रूप से उस पर ऊंट जो होता है ऊंट पर उल्टा बैठा दिया। विचार कीजिए, ऊंट पर जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारे जो उरु होते हैं, मतलब जिसे हम ये बोलते, तो वो भाग पूर्ण रूप से ऐसा उसके ये निकल जाते हैं, त्वचा पूर्ण रूप से निकल जाती है। लेकिन संभाजी महाराज को उल्टा बैठाया गया था, उनको विदूषक जिसे हम बोलते हैं जोकर, उसका वेश हेतु रूप से परिधान किया था, ताकि जितना संभाजी महाराज का अपमान कर सके उतना अपमान करने का हेतु औरंगजेब का था। और वहां से ऊंट पर लेके कोई उनको उन पर थूक रहा है, कोई उन पर विष्ठा डाल रहा है, कोई उनको भाले से ऐसे ये कर रहा है, तो ये इतना इनका उतना उनका जितना अपमान हो सके उतना अपमान उनका चल रहा था। उनके साथ वो कवि कलश भी था, उन दोनों का ही औरंगजेब के सरदार अपमान कर रहे थे। और उस संगम नेर से संभाजी महाराज को यहाँ पर, जो पुणे में जहाँ पर संभाजी महाराज का देहावसान हुआ, वड़ू बुद्रुक जिसे हम बोलते हैं, वड़ू नाम से वो स्थान है, वहां तक लाया गया। और जब औरंगजेब के सामने संभाजी महाराज उपस्थित हुए तो संभाजी महाराज की जबान जो थी बहुत, अर्थात वे कवि थे, और सौभाग्य है कि शत्रु सामने आया था, तो उनके अंतकण में औरंगजेब के प्रति जो क्रोध था वो क्रोध ऐसे निकल पड़ा, और उन्होंने औरंगजेब को गालियां दी। ऐसा जदुनाथ सरकार जी ने लिखा है कि प्रेषित मोहम्मद पैगंबर को भी संभाजी महाराज ने गालियां दी। तो ये जो आजकल जो सिकुलरिज्म का रंग संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज पर चढ़ाने का ये वामपंथी प्रयास करते हैं, ये सब सुन ले, ये स्वयं जदुनाथ सरकार जी ने लिखा है, महाश्रेय आलमगिरी में लिखा है, ये साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, खाफी खान ने लिखा है, ये कोई ब्राह्मण इतिहासकार ने नहीं लिखा। तो ये खाफी खान, साकी मुस्तैद खान स्वयं लिखता है कि संभाजी महाराज ने औरंगजेब को गालियां दी, उसकी बेटी को भी चूतिया कहा, उसको भी चोटी चूतिया कहा, उसकी बीवी को भी चूतिया कहा, ऐसा इसका भी प्रमाण उपलब्ध है। शानपुरी की बखर नाम से बखर, उसमें कहता है बादशाह भी चूतिया, उसकी जोरी भी चूती, उसकी बेटी भी चूतिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग संभाजी महाराज ने किया है, ऐसा वो शानपुरी की बखर कहती है। ये मैं स्वयं नहीं कह रहा हूँ, इसका प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है। तो औरंगजेब को सामने संभाजी महाराज को लाया गया, गालियां वगैरह सब हुई, तो उनके जबान बहुत चलती है, इसके कारण औरंगजेब ने आज्ञा दी कि इसकी जबान चलती, इसको जबान काट दो। तो संभाजी महाराज की जिह्वा काट दी गई, और संभाजी महाराज का क्रोध, उनके उनके जैसे जो कभी व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके आंखें बोलती है, तो उनके आंख से जैसे लहू निकल रहा था। तो औरंगजेब ने आज्ञा दी कि इसकी इसको नई दृष्टि दो, मतलब इनकी आंखें निकाल दो। तो उनकी आंखें भी निकाल दी गई, जो तप्त तो मतलब ज्वालाएं होती है उसमें, उस बार जो होता है कोई लोहे का, उसमें उसको तपाया जाता है, और वो लाल लाल एकदम हुआ हुआ जो जो लोहा होता है, तो वो लोहा ऐसे संभाजी महाराज के आंखें में वो डाल दिया। कितनी वेदना हुई होगी, लेकिन संभाजी महाराज डटे रहे ना, तो उन्होंने इस्लाम का स्वीकार किया,
और ना तो उन्होंने, और उसी समय उस कवि ने, जो कवि था कवि कलश, उसने एक कविता रची उस वहां पर। वो बोलता है कि आवन रावण की सभा शंभु, बंध्यो बजरंग लहु लसत सिंदूर सम खूब खेलो रणरंग, जो रवि शशि लखत ही खद्योत होत बदरंग, जो तो वह तेज निहार के तखत तेज औरंग। तो ये इसका भी प्रमाण, और इसने लिखा है वो, काफी खान ने स्वयं इसका प्रमाण दिया है। वो ईश्वरदास नागर लिखता है, वो साकी मुस्तैद खान लिखता है, और साकी मुस्तैद खान स्पष्ट रूप से लिखता है कि मुल्ला और मौलवियों को पूछा गया कि इस काफिर को कौन सी शिक्षा दी जाए, तो मुल्ला और मौलवी ने कहा कुरान के अनुसार इनका देह, इनको देह दंड दीजिए। ये मासिरे आलमगीरी में स्पष्ट रूप से लिखा है, इसका अंग्रेजी अनुवाद जदुनाथ सरकार जी ने किया है, आप पढ़ सकते हैं। तो इस्लामी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार संभाजी महाराज का देहावसान केवल और केवल कुरान के अनुसार, कुरान के अनुसार, शरीयत के अनुसार, शरीयत के अनुसार, औरंगजेब की आज्ञा के अनुसार, मुल्ला और मौलवियों के आज्ञा के अनुसार ही हुआ था। ना कोई ब्राह्मणों ने उसको किया था, ना ही हिंदू धर्म के अनुसार। और दूसरा, ये जो आरोप करते हैं कि उसके पश्चात शिवाजी औरंगजेब को पता था कि चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जो होती है, हिंदुओं का जो पवित्र त्योहार, उस समय वर्षा का आरंभ, किसी हम संवत्सर का नए वर्ष का आरंभ करते हैं, तो उसने विशेष रूप से यह जानकर फाल्गुन वद्य अमावस्या, मतलब उसके जो पूर्व तिथि थी, उसी दिन संभाजी महाराज का देहावसान किया, ताकि इन मराठाओं का, तो हिंदुओं को ज्ञान रहे कि हमारे राजा का जो देहावसान कल हुआ है, तो हम कैसे ये करेंगे। तो ये विशेष रूप से उसका इंटेंशन वही था कि हिंदुओं को जितना अपमानित, संभाजी महाराज को जितना अपमानित करना हो उतना अपमानित करें। और ये अब रहा प्रश्न, ये नरेटिव्स ऐसे कहते हैं कि उसके पश्चात ब्राह्मणों ने उस गुड़ी पाड़वा नाम से शरण को आरंभ किया, ये इतने चूतिया है, क्योंकि गुड़ी पाड़वा शरण का तो उल्लेख तो बहुत पुराना प्राचीन है। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा का तो हम नया वर्ष सहस्त्रों लक्षावधि वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन आज जो जिस तरह से महाराष्ट्र में विशेष रूप से गुड़ी पाड़वा का शरण मनाया जाता है, उसका भी उल्लेख संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के दस्तावेज में भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गुड़ी पाड़व्याचा सण साजरा केला गेला, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के समय गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट हुआ था। तो संभाजी महाराज के देहावसान के पश्चात ब्राह्मणों ने यह नया पर्व शुरू कर दिया, यह आरोप केवल और केवल तथ्यहीन है, केवल और केवल निराधार है,